अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, आई एम योर SST टीचर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर पीपल एंड वर्क विच इज़ प्रेजेंट ऑन बुक पेज नंबर 59। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस चैप्टर के पार्ट 1 में आप जो टॉपिक समझेंगे वो ये हैं, नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 सेंसस, नंबर 3 स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर 4 ओवर पॉपुलेशन। इस चैप्टर के पार्ट 2 में आप जो टॉपिक समझेंगे वो ये हैं, नंबर 1 वर्क, नंबर 2 सर्विसेज, नंबर 3 मशीन्स एंड वर्कर्स। इस चैप्टर के पार्ट 3 में आप जो टॉपिक समझेंगे वो ये हैं, नंबर 1 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, नंबर 2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, नंबर 3 फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड सीमेंट, नंबर 4 टेक्सटाइल्स एंड नंबर 5 अदर इंडस्ट्रीज। तो आज के इस लेक्चर में आप पार्ट 1 के टॉपिक्स को समझेंगे जो के हैं पॉपुलेशन, सेंसस, स्टेटिस्टिक्स एंड ओवर पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 1 में आप सेंसस की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इस लेक्चर के इख्तिताम पर आप ये जान जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से सेंसस की मदद से इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 1 के पहले टॉपिक को समझते हैं जो कि है पॉपुलेशन यानी कि आबादी। हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क में मौजूद अफराद की तादाद आबादी या फिर पॉपुलेशन कहलाती है। हमारे मुल्क में 207 मिलियन पीपल आबाद हैं। अगर हमें जानना है कि ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कमाते हैं, ये सब और बहुत कुछ, या फिर किसी मुल्क या शहर में मौजूद लोगों की तादाद अगर हमें मालूम करनी है, क्या ये मुमकिन है हम मालूम कर सकते हैं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम किसी भी मुल्क या शहर में मौजूद लोगों की तादाद सेंसस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। सेंसस मर्दमशुमारी को कहते हैं। हम एक मुल्क में रहने वाले लोगों से मुतालिक मालूम सेंसस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर सेंसस हर 10 साल के दरानिए पर होता है। सेंसस के दौरान लोगों से मुतालिक मालूम इकट्ठी की जाती है। सेंसस के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि एक जगह कितने लोग रहते हैं, इनकी उम्र क्या है, पेशा क्या है, मज़हब क्या है, वो कौन सी ज़बान बोलते हैं और दूसरी तमाम मालूमात हम सेंसस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम सेंसस की मदद से ये भी जान सकते हैं कि आबादी का कितना तनासुब शहरों में आबाद है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन के बारे में भी हम जान सकते हैं, और आबादी का कितना तनासुब देही इलाकों में आबाद है, यानी कि हम रूरल पॉपुलेशन भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? सेंसस के दौरान हासिल करदा मालूमात डाटा या फिर स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम ये जान पाते हैं कि एक फैमिली कितनी बड़ी है, लोग कौन सी ज़बानें बोलते हैं और लोग लिख पढ़ सकते हैं या नहीं। ये तमाम हासिल करदा मालूमात हुकूमत को बहुत सी चीज़ें डिसाइड करने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पर, एक सेंसस हमें बता सकता है कि एक मुल्क में आबादी का कितना तनासुब बेबीज पर कंसिस्ट है। इस मालूम के साथ गवर्नमेंट को ये जानने में मदद मिलती है कि चंद सालों के वक्त में हमें कितने स्कूल की ज़रूरत होगी। इस वक्त अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो कि है ओवर पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी मुल्क में आबादी की बड़ी तादाद मौजूद होती है और मुल्क में रिसोर्सेज का फुकदान होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने शहरियों को क्वालिटी लाइफ या फिर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मुहैया करने में नाकाम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये मुल्क ओवर पॉपुलेटेड है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मुल्क में मुलाजमतों का फुकदान, बेरोज़गारी, ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक जाम, लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारा मुल्क भी एक ओवर पॉपुलेटेड मुल्क है जिससे सभी बुरी तरीके से मुतासर हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर के पार्ट 1 के टॉपिक को समझाया है। इन टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट्स आपको दे दी गई हैं, इन्हें फिल करके सबमिट कराइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।